नीतीश कुमार के पासी समाज जबरदस्त विरोध कैलस और नीतीश कुमार के विरोध में महिला जोन विरोध करे खातिर उतर रही ओकरा सामना करे के शक्ति ना तो भारतीय जनता पार्टी में रहे ना नीतीश कुमार में रहे और ना नीतीश कुमार के प्रशासन में रहे। रोकब ना पीटब ना संजय जायसवाल में दम बा हिम्मत बा तो प्रेस वार्ता बुलावस और हम बगल में बैठ करके उनका हर सवाल के जवाब दे या हम सवाल पूछे तो हमारे सवाल के जवाब दे। एनडीए में टसन हो गई बा, मुकेश सहनी के भारतीय जनता पार्टी अलग कर दिले बा और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उस स्वीकार नहीं कर। जीतन राम मांझी के सबसे प्रिय रहन उनका खातिन उनका साथ है, वो अपन अलग गुट बना ले रहन कि हमनी के हट जाए जा सरकार फंसा देव जा सरकार गिरा देव जा। अब उनका मुंह से एगो बकार नहीं खे निकल। मुकेश सहनी के वीआईपी के विरोधी वाले उनका कहना बा कि कहीं ना कहीं हमें बड़ा प्लानिंग और गेम रचाई बा। सियासी घराना दूरिये से चिन्हा जाला, सियासी घराना दूरिये से चिन्हा जाला, रिश्ता नाता सब तरजुई में जो खा जाला, रिश्ता नाता सब तरजुई में जो खा जाला, ओकरा हर कदम पर किस्सा लिखा जाला, ओकरा हर कदम पर किस्सा लिखा जाला। ई ऐसने राही ह जहाँ लोग भुला जाला, ई ऐसने राही ह जहाँ लोग भुला जाला। गोर लगता नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ लोग के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खुटा टोक के। आज बिहार के राजनीति के चर्चा ना, आज चर्चा हुई मात्र एगो जौन उपचुनाव होके जा रहा बा ओकरा पर, और ई बतावे खातिर कि बिहार के राजनीति में ओकर असर का हुई और ओकरा असर से बिहार के राजनीति में का बदली। आज हम रुआ लोग के सामने बोचाह चुनाव में जब रुआ लगी सुनत होकर तना घड़ी वोटिंग शुरू हो गई हुई, और वोटिंग शुरू होके से पहले रुआ लोग के आज परिणाम बताओ तनी, रिजल्ट से पहले ही परिणाम का हुई। कारण कि देखी जितना भी दल लगभग 7-8 गो दल लड़ता रहे, 5 गो दल 6 गो लड़ता रहे और 12-13 गो सब मिला करके उम्मीदवार बढ़े जौना में निर्दलीय भी लोग बा। मुख्य जौन पार्टी लड़ता रही रुआ लोग जानता नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपन 2020 में जौन सीट ओकरा हाथ से छिना गई ओकरा के वापसी चाहता, कारण कि 2020 में जब चुनाव भई रहे तो मुकेश सहनी हिस्सा रहन एनडीए के और उनका के उस सीट दिहल गई रहे जहां से मुसाफिर पासवान के जीत भई रहे वीआईपी से। कहल जात रहे कि मुकेश सहनी के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आत्मसात कर ले बा और अपना साथे अब ले करके जाए, लेकिन सब गड़बड़ा गई। अचानक से चुनाव ऐसा हो गई कि बिहार में एनडीए के भीतर खलबली मचा देलस और मुकेश सहनी के एनडीए से बाहर होके के पड़ो। इतने ना मुकेश सहनी के मंत्रिमंडल भी छिना गई और मुकेश सहनी बिना सदस्य वाला सिर्फ एगो जौन उ खुद बाड़े उ विधान परिषद के सदस्य बाड़े और उनको जौन सदस्यता बा उ मात्र 2 महीना के रह गई बा। ये सब बात के लेकर के जहां एक तरफ एनडीए के बात कही ओजे महागठबंधन के तरफ भी बड़ा माने एकरा से कम ना एकरो से बेसी ओजा हंगामा बा। राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में अपने तो लड़ते बा लेकिन ओकरा विरोध में कांग्रेस अपन उम्मीदवार खड़ा कर देले बा, यानी कि मामला जोन बा 13 गो उम्मीदवार के अलग कर दही लेकिन जोन मुख्य दल बाड़े उ आपन आपन खेमा के जबरदस्त ढंग से विरोध खातिर खड़ा हो गई बड़े। बात एहजे तकले नहीं खेल, ये चुनाव में दावा और परिणाम दोनों दू दिशा में बा। रुआ लोग से बोचहा चुनाव के लेकर के जौन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नीतीश कुमार के एंट्री भई और एंट्री के बाद मुकेश सहनी के जौन बयान आई वो बयान काफी ओ बोचहा के चुनाव और बिहार के राजनीति के इशारा कर रहा बा कि अगला राजनीति कहाँ जा रहा बा। नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार और नीतीश कुमार के पार्टी के वरिष्ठ नेता जो उनके वालों के पहले भी बतौले रही याद हो वालों के कि पंचनामा में भी नमन मिश्रा जी के साथ छोटका पंचनामा में यह बात पर चर्चा भई रहे कि बोचहा में चुनाव परिणाम का हुई। एकरा अलावे रुआ देखल के पंचनामा में नमन मिश्रा जी चर्चा के लिए रहन कि केकर जीत केकर हार हुई, अगर नहीं ही देखले तो वह जाके पंचनामा पर देख सकी। और 2 दिन पहले से हम लगातार ये बात के कह रहा बानी कि बोचहा चुनाव
और ये MLC के जो चुनाव भइल है जन के रिजल्ट आ गई, ये कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में एगो नया दिशा देखावे के कोशिश कर रहा बा। हो सकेला कि सीधा आँख से ना लौकत होके, लेकिन आँख मूद के जो मन के आँख से देखो तो निश्चित रूप से रुआ लौके लगी कि बिहार में राजनीति कौना दिशा तरफ कौना तरफ जा रहा बा। ये पूरे विषय पर जब चुनाव शुरू हो गई, मतदान शुरू हो गई और मतदान शुरू होके ठीक पहले परिणाम रुआ सामने आ जाओ तो ओकरा पीछे के कारण का बा, आखिर परिणाम आवत कैसे बा, तो दावा भारतीय जनता पार्टी से रुआ के शुरू करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के दावा बा कि इस सीट बेबी कुमारी के वापस हो जाए, यानी 2020 में जो हारा रही वो अपन सीट फिर से उपचुनाव में वापस ले ली है। एकरा पीछे उनका तर्क का बा, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठा के प्रश्न बन गई बा और पूरा अमला फैला भारतीय जनता पार्टी के ओजा लागल बा। और अब भारतीय जनता पार्टी ना, अब तो NDA के भी अमला फैला ओजा लागल बा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रयास और NDA के प्रयास में काफ़ी अंतर बा। नीतीश कुमार जी पूरे चुनाव प्रचार में बेबी कुमारी खातिर चार गो बात जौन कहले, उनका सीधा तौर पे कहना रहा कि बेबी कुमारी क्षेत्र खातिर सोचे ली, इतने ना काम खातिर हमरा से मिले ली, जब विधायक ना रही है तबो मिलत रही है और क्षेत्र के लोग से उनका लगाव बा। ये नीतीश कुमार के उपक्ष वही, लेकिन ओकरा साथ साथ नीतीश कुमार यो कहले कि इस क्षेत्र चमकी बुखार से प्रभावित बा, एजा जब चमकी के बुखार होला तो हमरा सब जानकारी बा क्षेत्र के लोग के, ओकरा खातिर हम व्यवस्था में लागल बानी। बात एगो दोसर हो गई, लेकिन तीसरा तरफ नीतीश कुमार जब मंच से भाषण दे करके बेबी कुमारी खातिर वोट मांग करके और जनता से पूछ करके, जनता हाँ कहली कि ना कहली, लेकिन माला पहना दे कि जीत के माला हम पहना दी नू तो पहना दे ले। पिछला 2015 से जब लालू प्रसाद के संगे रहन नीतीश कुमार, तब से नया तरीका मंच पर नीतीश कुमार ईजाद कैले बाड़े कि जौना प्रत्याशी के प्रचार करे जाले ओकरा से पूछे ले जनता से कि इनका माला पहना दी जीत के। अब जीतो चाहे हारो वो अलग मुद्दा बा, लेकिन इस विषय के जब मंच से बाहर अले तो एक खास वर्ग के लोग नीतीश कुमार के विरोध में तथ्य लेके खड़ा हो गई। खबर के माध्यम से रुआ लोग के यो बात पता चल गई हुई, विरोध के शुरुआत ई ना हो, एकरा पहले विरोध भई रहे, लेकिन वो विरोध के बात रुआ से करब, लेकिन पहले सबसे अंतिम पायदान पर से नीचे उतरल जाओ, ऐसे समझे में आसानी हुई कि आखिर ऊपरी पैदान पर पहुंचल आदमी कैसे। नीतीश कुमार के पासी समाज जबरदस्त विरोध कैलस और नीतीश कुमार के विरोध में महिला जोन विरोध करे खातिर उतर रही, ओकरा सामना करे के शक्ति ना तो भारतीय जनता पार्टी में रहे, ना नीतीश कुमार में रहे और ना नीतीश कुमार के प्रशासन में रहे। मुख्यमंत्री के काफिला और मुख्यमंत्री के सामने अगर विरोध प्रदर्शन होके तो लोकतंत्र के जीवंत तस्वीर जरूर बा, लेकिन हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जी पर चमेटा चल रहे और उकरा बाद भी जब उनका खेमा में उनका कारकेड में लोग घुस करके विरोध कर देता तो निश्चित रूप से एगो और फेल्योर हुई, या फिर नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं पर चिंता जरूर करे कोई, चिंतन करे कोई और नीतीश कुमार के सामने लालू प्रसाद के नाम ले लेना यह बात की तरफ इशारा करता कि लालू के जो औरा रहे ओकरा के समाप्त करे में अभी बहुत वक्त लगे, अभी भी लोग लालू प्रसाद के समर्थक बा। अब एकरा से एक पायदान नीचे आई, संजय जायसवाल प्रचार करे खातिर गई रहन, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बाड़न और संजय जायसवाल के लेकर के जौन बात पहले रुआल के नीतीश कुमार वाला बता दी कि नीतीश कुमार के लेकर के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कैले मुकेश सहनी तो साफ तरीका से कहले कि नीतीश जी के बहुत बहुत धन्यवाद बा कि उ चुनाव प्रचार करे से ठीक पहले बोचहा में बेबी कुमारी के NDA के प्रत्याशी घोषित करके चुनाव प्रचार करे से पहले निषाद समाज के जो सबसे बड़ धरोहर बाड़े बाबा केवल से जा करके आशीर्वाद लेना, उनका से माफी मांगना कि हम मजबूरी में अपन धर्म निभावे खातिर आइल बानी, लेकिन ध्यान तू ओनही रखी हो। मुकेश सहनी के कहना बा कि नीतीश कुमार जी खातिर एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद हम दे दानी कि नीतीश कुमार जी ई बात संदेश के रूप में बोचहा के जनता के दे देले कि बाबा केवल कि यहाँ जा करके उनका से आशीर्वाद लेकर के और तब तो अले।
इस संदेश नीतीश कुमार दे देले कि भाई हो मुकेश सहनी संगे अन्याय भइल बा उनका तरफ ध्यान दिह लोग। अबे बात के रुआ कड़ी जोड़ के देखी। एकरा अलावे संजय जायसवाल के हम बात करते नहीं हैं। संजय जायसवाल जब चुनाव प्रचार करे गई ले तो उनको विरोध जबरदस्त भइल। लोग उठ करके उनका के क्षेत्र में घुसे ना दिहल और उनका के बहुत ज्यादा बाहर जाए खातिर हुड आउट कई। बात एजे तक ले नहीं खे। बात जौन की पारंपरिक वोट रहे भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण समाज और खास करके कुछ वर्ग जना पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपन अधिकार समझत रहे वर्ग कहीं ना कहीं खड़ा नजर आई तेजस्वी यादव के साथ। भूमिहार समाज होके, राजपूत समाज होके या फिर और सवर्ण समाज होके, तेजस्वी यादव के मंच से लोग आई और तेजस्वी यादव के मंच पर कहीं ना कहीं नारा लागल और ये नारा यह बात के बतावत रहे कि भू एमओआई समीकरण बी एमओआई समीकरण ज्यादा कारगर होके लागल बा। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संजय जायसवाल के विरोध में करे में जब वो जाके जनता आईली तो नजर आई। तीसरका रुआ के सीढ़ी पर आई, एक सीढ़ी और नीचे उतरी अजय निषाद। अजय निषाद जब गईले और अपना समाज के लोग के जो मुकेश सहनी के लगातार पिछला कई महीना से उनका पीरी पड़ रहन, मुकेश सहनी के हटावे खातिर वो लगातार जैसे मन में ठान ले रहे कि जब तक ले हटी है ना तब तक ले हम छोड़ब ना इनका के, एनडीए से मंत्रिमंडल से हटा करके दम धैले और हटौला के बाद वह बात खातिर लोग के प्रचार करे गई रहन, कहे गई रहन कि मुकेश सहनी निषाद समाज के कभी भला ना कर सकेले। लेकिन कहे कुछ और गई रहन और या हो कुछ और गई। अजय निषाद के भी ओजा लोग खदेड़ दिहल और अजय निषाद ओजा से जान प्राण लेके परा गईले। एकरो के लेकर के मुकेश सहनी अपना प्रेस वार्ता में अपन बात रख ले है। हम लोग बताओ तो नहीं के जीती के हारी, लेकिन एकरा पहले ये बतावल बहुत जरूरी बा कि एकर परिणाम आई वो परिणाम के कारण का बा, जो पहले ही से लोग सोच रहा बा कि परिणाम आई। अब अजय निषाद के वजह से परैला के बाद खास करके जो समाज बा रुआ समझ सकीले कि कहाँ बा और ये बात के लेकर के मुकेश सहनी के कहना बा कि हम वो सारा लोग के धन्यवाद देतनी जे जे चुनाव प्रचार करे बोचहा में ना आई। एक सीधा मतलब बा कि उनकर हमार मुख समर्थन मिलल और भीतर से भीतर खाना में कतना लोग इस क्षेत्र के जनता के बोचहा के जनता से फोन करके और संदेश के माध्यम से ये बात कहल कि हमरा के वोट दो। ये दावा मुकेश सहनी के बा और मुकेश सहनी प्रेस वार्ता करके कहले यहाँ तक ले कहले कि हम संजय जायसवाल के ठोकब ना पीटब ना, संजय जायसवाल में दम बा हिम्मत बा तो प्रेस वार्ता बुलावस और हम बगल में बैठ करके उनका हर सवाल के जवाब दे या हम सवाल पूछे तो नहीं वो हमारे सवाल के जवाब दे। हमरा के बदनाम करे के मतलब बा कि सीधी तौर पे पूरे समाज के बदनाम करना और हम समाज खातिर हक हुकूक खातिर लड़ता नहीं जना के चलते संजय जायसवाल और अजय निषाद ऐसा लोग मिल करके योजनाबद्ध तरीका से समाज के हक हुकूक छीने खातिर ई योजना कैले बा। मुकेश सहनी एजा जम करके संजय जायसवाल के एक हाली ना कई हाली मीडिया के सामने कहले कि हम संजय जायसवाल के संगे मारा मारी ना करब, पीटा पीटी ना करब, प्रेम से बतियाई आके हमारे साथे बतिया ले। जनता के बीच में सच्चाई आवे के चाहिए। अब एकरा आगे बढ़ी, ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में लगभग एनडीए के सब घटक दल गईले, जीतन राम मांझी भी गईले और जब उनका से मुकेश सहनी के बात पूछल गई तो जीतन राम मांझी के सीधा कहना रहे कि फैक्टर नहीं खन। जौन मुकेश सहनी आज से दो महीना पहले तक ले जीतन राम मांझी के सबसे प्रिय रहन, उनका खातिन उनका साथ है, वो अपन अलग गुट बना ले रहन कि हमने के हट जाए जा सरकार फंसा देव जा सरकार गिरा देव जा, अब उनका मुंह से एगो बकार नहीं खे निकलत। एकरा मतलब कि कहीं ना कहीं सत्ता जौन बा उ जहर होला। ये बात बहुत पहले राहुल गांधी कहले रहन, वो बात आज हो सकेला कि ना कहले होकस लेकिन उनकर कहे के इशारा और मुकेश सहनी के विरोध करे के मतलब ये रहे। नीतीश कुमार अभी तक ले मुकेश सहनी के विरुद्ध में एक शब्द नहीं खन बोल ले और ना तो मुकेश सहनी जोन कहले और
प्रेस वार्ता में जो बात कहले बाड़े ओकरा के कहीं ना कहीं प्रमाणित भी करता, सत्यापित भी करता नीतीश कुमार के वो एक्ट जो है वो बाबा केवल धाम जा करके और ओजा से आशीर्वाद लेकर के फिर बोचहा गई है। एकरा आगे अगर बढ़ी हुआ तो बात अब हो जाता वीआईपी के, तो वीआईपी के मुकेश सहनी जौना उम्मीदवार के लेकर के चुनाव लड़े के तैयारी करते रहन, वो उम्मीदवार उनका से छटक गई। कारण कि ओकरा बात के एहसास हो गई, पता चल गई कि मुकेश सहनी के एनडीए से बाहर कर दिया गई और एनडीए के तरफ से वो टिकट उनका पिताजी के मिल रहे मुसाफिर पासवान के, अजय पासवान माफ करो अमर पासवान, अमर पासवान के यह बात के एहसास हो गई कि अगर वो दूसरा खेमा में चल जाता रहे तो उनका पिताजी के जो सपना बा पूरा करे के मौका मिली। कारण कि एनडीए में टसन हो गई बा, मुकेश सहनी के भारतीय जनता पार्टी अलग कर दिले बा और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उस स्वीकार नहीं खन। ऐसा स्थिति में अमर पासवान के लगे विकल्प ना रहे और वो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ शिफ्ट कर गए और तेजस्वी यादव उनका के स्वीकार करते हुए युवा समझ करके और उनका पिताजी के जो सपना रहे ओकरा पूरा करे खातिर जौन कि अमर पासवान के कहना बा उनका के टिकट दे दिले। अब वीआईपी के लगे जौन की उम्मीदवार कौन रहे तो उम्मीदवार में उनका साथे जौन पुराना 9 बार के चुनाव जीत के आई रहन उनकर पुत्री गीता कुमारी, डॉक्टर गीता कुमारी के उम्मीदवार बनाल गई और वो इंतजार कर रही कि हमारा राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिली सिंबल मिली। लेकिन बात रातों रात बदल गई और रातों रात शिफ्टिंग हो गई। एकरा में विपक्ष के कहना बा कि कहीं ना कहीं विरोधी के जौन की तेजस्वी यादव के और मुकेश सहनी के वीआईपी के विरोधी वाले उनका कहना बा कि कहीं ना कहीं हमें बड़ा प्लानिंग और गेम रचाइल बा। हालांकि एकरा में नीतीश कुमार भी अछूता नहीं खन, कहल जा रहा बा कि नीतीश कुमार अपन गण मुंड पहले ही उन्हें भेज देले बाड़े कि जाके उन्हें स्थिति ठीक करो माहौल ठीक करो तब देखल जाइए आगे के रणनीति का बनी। वीआईपी के तरफ से गीता कुमारी जबरदस्त चुनाव प्रचार करता रही और उनकर पिता लगातार ओजा से विधायक रहल बाड़े। अब ऐसा स्थिति में उनकर चुनाव प्रचार भी बा और साथे भारतीय जन परिवार पार्टी ऐसा कई गो लोग बा जो उनका के समर्थन दे देले बा। मुकेश सहनी के साथ भारतीय जन परिवार पार्टी समर्थन दे देले बा, ऐसे उनकर मामला जो बा त्रिकोणीय करे में आसानी हो गई बा। बोचहा के चुनाव उपचुनाव जौन बा त्रिकोणीय मुकाबला में चल गई बा और एजा सबसे मजबूत दावा बा और दावा कई जाता वो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कई जाता। तेजस्वी यादव के सीधे तौर पे कहना बा कि ये चुनाव अमर पासवान के पिता जीता रहन 2020 में और उनकर पूरा हक बनता कि वो अपना पिता के सपना पूरा करस। युवा बाड़े और जात पात से अलग बाड़े, अंतरजातीय विवाह कैले बाड़े और ऐसा स्थिति में जनता जौन बाड़ी उनका साथे बाड़ी। एकरा पीछे जौन चर्चा चल रहा राजनीतिक गलियारा में वो चर्चा चल रहा बा कि एकरा में चुनाव में टक्कर बड़ी कड़ा बा और एक टक्कर में जौन बोचहा के जनता बाड़ी वो पूरी तरह से हालांकि बहुत मुखर बा लोग लेकिन यह मुखरता में बोचहा के जनता लगभग अपना मन में बना दिले बा कि अब के अली केकरा के ओकरा के उम्मीदवारी देवे के बा, केकरा के जितावे के बा और केकरा के विधानसभा में भेजे के बा। जनता के रुख, जनता के गुस्सा सब कुछ देखे के मिलल। रुआ भारत लाइव में देखले हो कब कि सनी शर्मा जब बोचहा में गई रहन पूरा तो बोचहा के जनता जौन सनी शर्मा से अपन विचार रख ले वो भीतर खाना में जाके अंदर जाकर के गाँव में जाकर के अंतिम पैदान तक खड़ा लोग के से बात कैले और वो लोग के जौन विचार रहे रुआ भारत लाइव पर देखले हो कब नहीं देखले तो रुआ जाके देख सकिले। और इस सब बात यह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि परिणाम का हुई और केकरा तरफ शिफ्ट करी। रुआ लोग वोट दे रहा बानी अगर बोचहा में बानी रुआ तो वोट दे रहा बानी, वोट केकरा के दे रहा बानी ये रुआ जानता नहीं लेकिन ये बात इशारा में रुआ लोग जरूर कह दिले बानी कि वोट केकरा के रुआ दे रहा बानी और केकर जीत और हार हुई। ये त्रिकोणीय मुकाबला में दावा तीनों तरफ से बा लेकिन सबसे बड़ा दावा जौन बा वो मुकेश सहनी के बा। मुकेश सहनी के कहना बा कि उनकर जौन सदस्य विहीन हो गई बा वो विधानसभा एक बार फिर से उनका एक सदस्य से गुलजार हुई। दावा नीतीश कुमार भी कह के आयल बड़न, हालांकि उनका दावा में कितना दम बा ई तो
जब चुनाव परिणाम 16 अप्रैल के गिनती हुई तो पता चली, लेकिन यह दावा में एगो दावा तेजस्वी यादव खातिर पहला हाली जा करके भूमिहार समाज ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच और अपन राजनीतिक पार्टी बनावे वाला आशुतोष कुमार भी जा करके और चुनाव प्रचार कैले और साफ तरीका से उनका कहना बा कि अब राष्ट्रीय जनता दल पहले वाला नहीं खे ए टू जेड के पार्टी हो गई बा। यह बात पर भी जदयू के तरफ से बयान आई कि यह बात के स्वीकार कैल सवर्ण समाज कि पहले सवर्ण समाज के एंट्री ना रहा राष्ट्रीय जनता दल में। अब देखे के हुई कि वक्त बदलता, समय बदलता और साथ में परिणाम भी बदलेला। परिणाम पिता के इंतकाल के बाद उनका पुत्र के मिली, या फिर पिता जकरा के हरौले 2020 में उनका मिली, या फिर जौन लंबा समय से जिनकर सीट रहल हा, जिनकर सीट वजह से खाली भई वीआईपी मुकेश सहनी उनका मिली। ये तीनों बात के लेकर के एक बात साफ नजर आता कि त्रिकोणीय मुकाबला में कांग्रेस भी अपन एंट्री डाल ले बा, और अगर मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के वोट काट सकेले या उकरा के हरावे के दमखम रख सकेले तो कांग्रेस भी कम नहीं खे, कांग्रेस भी अपन उम्मीदवार खड़ा करके और ताल ठोक रहल बा। आग दोनों तरफ लागल बा। अब देखे के बा कि केकर आग शांत हुई जब 16 तारीख के चुनाव परिणाम रुआ सामने हुई। आज के खुटा ठोक में रुआ लोग से एजे विदा ले, कल फिर भेंट करे के वादा के साथे रुआ लोग से एगो निहोरा बा कि रुआ लोग एक खाली फिर से अपन विचार जरूर दही। अगर रुआ मन में कोनो सवाल बा, कुछ अपना समाज अपना भाषा और बिहार के बारे में कहल चाहता नहीं तो आई सब स्टूडियो में राउ स्वागत बा, गोर लागत है।